Morning children, welcome back to your online class. I hope all are well and safe. So today we are going to see lesson number 3, किरमिच की गेंद. नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, किरमिच की गेंद. गर्मी की छुट्टियां थी. दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था. तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी. दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है. वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बागीचे की ओर भागा. मींस इट वाज अ समर हॉलीडेज एंड दिनेश वाज रीडिंग सम स्टोरी बुक एंड ही हर्ड सम वॉइस समथिंग केम एंड फेल इन हिज गार्डन. ही वेंट आउटसाइड टू सी द थिंग. अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है. मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली. परंतु दिनेश रुका नहीं. उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी. जून का महीना था. धरती तवे की तरह तप रही थी. पर दिनेश के पैरों में जलने की भी चिंता नहीं थी. वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला. नाउ व्हाट हैपेंड, मदर इज कॉलिंग हिम. सन, वेयर यू आर गोइंग? आउटसाइड. इट्स अ hot air is there, why you are going outside? But Dinesh did not stop. He didn't wore his chappal and it was a month of June and it was very hot, so he didn't thought about his feet, so they will burn outside. But from where the sound came, he ran to that place. सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे. एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी. क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे. दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया. जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल के बेल छान मारी. ओके, नाउ इन द गार्डन देयर वर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. इट्स अ सीताफल, कस्टर्ड एप्पल एंड केले, बनाना. भिंडियो मीन्स लेडी फिंगर. सो दीज ऑल प्लांट्स वर देयर एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग इन द गार्डन. बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे. ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी. दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली. लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है. उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया. नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो. परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे. छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी. ओके चिल्ड्रन, सो दिनेश वेंट एंड सर्च्ड इन द गार्डन एंड ही फाउंड द बॉल नियर वन होल. ओके, ही स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम वेयर द बॉल केम. So, inside he saw a tall building. He thought if any small child has thrown that ball from that building. But the doors and windows of that building were closed. And it was a very hot. It was afternoon, right? It was very hot. So, nobody he saw. फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए. यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में से नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है. स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक.
Okay, and he is thinking, if they bought this new ball, then also who will come and play in this? It's a very hot afternoon. हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है. उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी. उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली. एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी. नाउ ही इज थिंकिंग, ओके नोबडी हैज परचेस्ड दिस, देन फ्रॉम वेयर द बॉल हैज केम. सो ही थॉट द नियर बाय गार्डन, ओके ही थॉट दैट नियर बाय गार्डन मे बी सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग. सो ही पीप्ड एंड सॉ इन द गार्डन, बट देयर वेर नथिंग, ओनली काउस वेर सिटिंग इन द ground. Okay, now he remembered that so many times whenever the colony children were playing outside, so many times the ball went far and never came back, never they got the ball back, and once it went in the truck also. Okay, तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है. Now mother is shouting from inside and saying that everybody in the house are sleeping and you are roaming outside. दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए. नाउ ही केम इनसाइड एंड ही लाइड इन द फ्लोर इन द मैट विच वॉज इन द फ्लोर एंड स्टार्टेड थिंकिंग, वॉट एवर इट मे बी, बट आई हैव टू शो दिस बॉल टू माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑनेस्टी इज दैट. सो ही वॉन्ट्स टू शो हिज बॉल टू हिज फ्रेंड्स एंड he wants to ask them whether this ball belongs to them or not. गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था. उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे. Now as it was a summer holidays, children were made one club and everybody had a bat for playing, but for purchasing the ball they used to collect money from the group and they used to purchase a ball. शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए. दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद. Now in the evening all children gathered and Dinesh told them that he got a ball and if anybody lost their ball they can come and tell me the identification of the ball so that he can return to them. Tabhi Anil bola, gain to meri kho gayi hai. Now one by one they started saying that I lost a game. So first who said? Anil said, I lost my ball. Kab khoi thi teri gain? Now दिनेश आस्क्ड, वेन यू लॉस्ट द बॉल? यही कोई चार महीने पहले. सो वेन ही लॉस्ट? इन द फोर मंथ्स बिफोर. तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा. सो इफ यू लॉस्ट दैट बॉल फोर मंथ्स बैक देन दिस इज नॉट योर बॉल, दिनेश सेड. फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार बताते हुए कहा. So now Sudhir is saying, then it will be mine. Okay, वह कैसे? दिनेश ने पूछा. How it is? दिनेश asked. तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा. Now he is saying, you show me that ball, I'll tell you the my identification. How can I identify? So now see. वह यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला. गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है?
बिना देखे बता तब जानो. नाउ दिनेश इज सेइंग बाय सीइंग द बॉल यू कैन से एनीथिंग. सो विदाउट सीइंग द बॉल यू टेल मी द आइडेंटिफिकेशन. ओके. तभी ऊपर से दीपक उतर आया. दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था. गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है. नाउ थर्ड फ्रेंड केम, हिज नेम इज दीपक एंड ही वॉज वेरी क्लेवर एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही यूज टू चेंज. ओके. एंड वॉट ही सेड देन, दिस बॉल इज माइन. कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा. कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं. सो एवरीबडी गॉट शॉक्ड एंड दे आस्ट हाउ इट इज. यस्टरडे ओनली यू सेड दैट योर फादर इज नॉट गिविंग यू मनी टू परचेज अ न्यू बॉल. नाउ सी व्हाट हैपेंड. मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा. जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी. नाउ व्हाट हैपेंड. 5 months बिफोर हिज ब्रदर, एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड. दैट टाइम सुनील हैज थ्रोन हिज बॉल फ्रॉम द टेरेस. ओके. दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है. दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना मिले. नाउ दिनेश नोज वेरी वेल दैट दिस बॉल वोंट बिलोंग टू दीपक बिकॉज ही लॉस्ट 5 months बैक बट दिस बॉल वॉज न्यू. सो व्हाट हैपेंड. दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है. नाउ दीपक स्टबनली ही स्टार्टेड सेइंग दैट बॉल इज माइन. ओके. अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा. नाउ अनिल इज सेइंग, हाउ कैन यू से दैट आई हैव थ्रोन योर बॉल डाउन मीन्स फ्रॉम द टेरेस. दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा. दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है. गेंद हत्याने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है. नाउ व्हाट हैपेंड. दीपक इज सेइंग, यू शो मी द बॉल आई विल टेल यू द आइडेंटिफिकेशन. नाउ दिनेश इज थिंकिंग दैट द फाइट इज गोइंग सीरियसली, इट्स dragging. Okay. And everybody, Deepak is taking help of Sunil and Sudhir to take that ball. वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे. दिनेश knows very well that if the ball he will give to Deepak, then only these three people will play. Let rest all they have to suffer. Okay. अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा. नाउ दिनेश इज सेइंग, ओके आई विल ब्रिंग द बॉल बट आई वांट अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देन ओनली आई विल गिव द बॉल. गेंद आ गई. दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरे ही गेंद पर था. Okay, now as soon as he saw the ball, Deepak started saying, yes, sis, this is my ball and this red symbol is in, it will be in my ball only. So, this is my ball. वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा. Now, Anil is saying, very clever you are. In every ball, this red symbol will be there. दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है. नाउ दीपक वंस अगेन ही स्टार्टेड सेइंग, आई कैन कॉल माय फादर एंड ही कैन आइडेंटिफाई दैट दिस बॉल इज माइन. अरे जा, ऐसे तो मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा. नाउ अनिल इज सेइंग, ओके यू लीव, I'll call my elder brother. He can also say that this ball belongs to Dinesh.
कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरे गेंद में से ऐसी आवाज आती है। नाउ दीपक इज सेइंग दिस बॉल इज माइन ओनली एंड ही थ्रू दैट बॉल इन द वॉल एंड सेड सी लाइक दिस साउंड विल कम फ्रॉम माई बॉल। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। वंस अगेन अनिल सेड, ओके सो यू कम अलॉन्ग विथ मी टू द मार्केट एंड वी विल चेक ऑल द बॉल्स बाय थ्रोइंग इन द वॉल एंड द साउंड विल बी सेव ओनली। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। नाउ सी व्हाट ही दीपक के से ओके आई थ्रो दिस बॉल इन द रोड आई सी हु विल प्ले एंड ही वॉज अबाउट टू थ्रो द बॉल आउटसाइड एंड सुन अनिल एंड दीपक दे कॉट द बॉल एंड नाउ दीपक मेड हिज फेस लाइक क्राइंग एंड स्टार्टेड सेइंग टू गिव मी दैट बॉल अदरवाइज आई विल कलेक्ट मनी फ्रॉम सुनील। अब तो सुनील दिनेश और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। नाउ दिस थ्री फ्रेंड्स केम टुगेदर दीपक सुनील एंड सुधीर एंड स्टार्टेड सेइंग दैट द बॉल बिलोंग्स टू दीपक। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा कर लेना लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। नाउ दिनेश वॉज साइलेंट एंड ही जस्ट वॉन्ट टू प्ले विद द बॉल एंड वॉट ही सेइंग नाउ स्टॉप फाइटिंग वी विल प्ले सो ब्रिंग योर बैट ओके ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू ब्रिंग द बैट जस्ट फर्स्ट वी विल प्ले ही सेड। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। मीन्स Within 5 minutes, the game started. Which game they were playing? Yes, they were playing cricket. And in that, Dinesh ballebazi kar raha tha. Dinesh took batting. Batting means ballebazi. Okay? Abhi 2-4 baar hi khela tha ki wa chamakdar nayi gend ekdam jor se uchli aur darwaza paar kar sadak par jaate hue ek scooter mein bani saman रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। मीन्स ही जस्ट प्लेड फॉर 2-4 balls एंड सडनली वॉट हैपन्ड ही गेव वन शॉट लाइक सिक्सर द बॉल फ्लू एंड वेंट इन द बास्केट ऑफ अ रनिंग स्कूटर। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चले हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। नाउ The person who was driving the scooter, he also don't know what happened, but he was very fast and he went far. Along with the scooter, the ball also went far. बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। नाउ चिल्ड्रन रन बिहाइंड द स्कूटर बाय शाउटिंग बट दे वर अनेबल टू कैच द स्कूटर एंड दे वर अनेबल टू स्टॉप द पर्सन इन द
स्कूटर. सो आफ्टर रनिंग अ लिटिल डिस्टेंस दे ऑल स्टॉप एंड दे सॉ ईच अदर्स फेस एंड दे स्टार्टेड लाफिंग. Okay, children, now we will move to a book back exercise, page number 19. Tarah tarah ki gende. Topic is tarah tarah ki gende means types of balls. So we used to play so many sports and games with the help of balls. Some are big and some are small. So in this topic, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं. देयर आर डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स ऑफ अ बॉल्स. अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है. सो इन डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स और गेम्स वी यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स. नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ. नो नाउ वी हैव टू राइट according to the games or sports what type of ball we are using. The balls which are made of rubber or plastic or something else. Okay, so first one is already given. Cricket, kirmich means soft ball. Cricket, kirmich. Cricket, kirmich ki game, soft and red color ball or a cork ball we can say, or a soft ball. Okay, and second one, table tennis is a small white color plastic ball. Table tennis, small white color plastic ball. Table tennis, small white color plastic ball. Third one, football. Football, chamra means it is made of leather. Okay, children. Okay, chamra. Chamra means leather. So it is a football, big ball. Football is a big ball. Hockey. Hockey is also small rubber, but it is very hard. It will be very hard. Rubber ki game, but it will be very hard. Hockey, rubber, sakht means hard. Hockey, rubber, sakht means hard. Volleyball, once again, it is chamda. Okay? Leather. Okay? So, the ball will be soft, but it is made of chamda. Leather. Something else. Okay? Once again, cricket, kirmich, table tennis, plastic, football, chamda, hockey, rubber, sakht, volleyball, chamda. Okay, once again I am reading. Cricket, kirmich, table tennis, plastic, football, chamda, hockey, rubber, sakht, volleyball, chamda. Okay, okay children, I hope you understood this. So, we use different types of balls for different sports or games. Okay, we will move to our next topic, that is Nibandh Deepavali. Deepavali means, you know very well, right? This is a Indian festival and it is celebrated by the Hindus. Not only Hindus, all over India, all people used to celebrate by burning crackers in their houses and lighting their houses, putting rangoli in front of their houses, cleaning the houses and decorating. Okay, so can we start our nibbana? Okay, Deepavali deepon ka tyohar hai. Deepavali is a festival of lights. Okay, Deepavali deepon ka tyohar hai. Deepavali deepon ka tyohar hai. Deepavali deepon ka tyohar hai. यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है. सो दिस फेस्टिवल कम्स इन द अक्टूबर टू नवंबर. इन द मिडल ऑफ दिस टू मंथ्स दिस फेस्टिवल विल कम एंड दैट आल्सो अमावस्या. सी मून इन द स्काई, दैट इज कॉल्ड अमावस्या. पूर्णिमा मींस वी विल सी द फुल मून, राइट?
So Amavasya, in we can't see any stars or moon in the sky. It will be a dark night. Okay. यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। This festival is important for Hindus. Okay, यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। Once again, दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। Okay, children, next paragraph. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। This day, people used to decorate their houses. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। घर घर में पकवान बनाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। In homes they used to prepare so many dishes, sweets and dishes, types of dishes and they used to worship goddess Lakshmi. Okay? घर घर में पकवान बनाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। घर घर में पकवान बनाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। Once again, I'll read. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। घर घर में पकवान बनाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। घर घर में पकवान बनाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पैरा, इस दिन बच्चे बूढ़े सभी नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। इस दिन बच्चे बूढ़े सभी नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। मींस इन दिस डे फ्रॉम यंगर वंस टू एल्डर वंस एवरीबॉडी विल वेयर न्यू क्लोथ्स। ओके, and they used to burn crackers outside their houses. Okay, once again, इस दिन बच्चे बूढ़े सभी नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। घर घर में मिठाइयां बांटते हैं। They used to distribute the sweets to their friends and relatives. Okay, घर घर में मिठाइयां बांटते हैं। घर घर में मिठाइयां बांटते हैं। द लास्ट पैराग्राफ, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। व्हाई वी विल सेलिब्रेट दीपावली, बिकॉज़ इन दिस डे भगवान राम लॉर्ड रामा केम टू होम आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल। ओके, सो इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपों को जलाकर खुशियां मनाई जाती थी। इसी खुशी में दीपों को जलाकर खुशियां मनाई जाती थी। इसी खुशी में दीपों को जलाकर खुशियां मनाई जाती थी। मींस बिकॉज ऑफ दैट इन ऑल द अयोध्या विलेज used to celebrate every year by lighting their houses with the lamps. इसलिए इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। So, because of that, in villages they used to light their houses with lamps and make the area bright. Because of that only, this festival is called as Festival of
लाइट्स, इसीलिए इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। वंस अगेन चिल्ड्रन, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपों को जलाकर खुशियां मनाई जाती थी, इसलिए इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपों को जलाकर खुशियां मनाई जाती थी, इसीलिए इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। आई होप चिल्ड्रन यू ऑल अंडरस्टूड।